राजा ये ले। याद है कालिया, मेरे भाई को भी तूने यही मारा था ना? दरवाजे का ये ना, घर में गुंडा घुसा है। बेटा गुंडा जी नहीं नहीं, मेरा मतलब अन्ना सर जी। टाइम नहीं है, बहुत जल्दी में है। अन्ना है, बोलो उसको। बोलता हूँ क्या पियेंगे? कौन खून तो बहुत गर्म होता है, इस मौसम में कैसे पियेंगे आप? उसका खून पीऊंगा, वो ठंडा हो जाएगा, फिर मेरा घर में उतरेगा। चिल्लाई मत। अन्ना क्यों चिल्ला रहा है? हम तो सिर्फ चिल्ला था, तुम विधानसभा में जूता चप्पल चला था, कुर्सी तोड़ता, हम अभी तक कुछ नहीं तोड़ा है। साला बाबू जूस पिलाओ अन्ना। नहीं मांगता जूस हमको। साला वो राजा को मिलके वो कालिया का गेम बजाया, डबल क्रॉस क्या है मेरे को? नहीं नहीं अन्ना, नहीं नहीं, डबल क्रॉस नहीं, रणनीति। कालिया और राजा जैसे लोग हमारी रणनीति की शतरंज के प्यादे हैं, जो आते जाते रहते हैं। कालिया ने टाइगर को मारा, राजा ने कालिया को मार दिया, हिसाब बराबर। क्या हिसाब बराबर? तुम बोलता हिसाब बराबर कितना पड़ा जी? साथियों सिर्फ दो बार फेल हुए हैं, अपनी शाही खानदान की परंपरा को कायम रखे हैं, पूछिए तो। साथी फेल, मैं तो मैट्रिक पास हूँ फर्स्ट क्लास, इनके ऊपर 13 गड़बड़ घोटाला, मेरे ऊपर 1, 2, 3 ओनली 3 नो 123 किडनैपिंग, 16 मर्डर यानी कि 16, 2 रेप, रेप हमने नहीं किया। साला इनको जिताने के वास्ते हमने बूथ कैप्चरिंग किया, बोगस वोट डलवाई, चंदा इकट्ठा किया, तुम लोग हमको श्रेणी लगाते। हम इडियट नहीं बनेगा अबे, हम इलेक्शन में खड़ा रहेगा, हम मंत्री बनेगा, बताने को आया होता। आई एम गोइंग सात्विक फेल, क्या मालूम पड़ेगा, आई एम कमिंग डायरेक्टली मिनिस्ट्री। जीजा जी, ये तो हर मामले में आपसे सीनियर हैं, कहीं ये मंत्री बन गए तो? इतना आसान नहीं है साला बाबू, मंत्री बनने के लिए जबान में जहर और दिमाग में कमीनापन बहुत जरूरी होता है। और ये दोनों आप